में जादू उपलब्ध है जिसका नाम है अल्टोब्लो। सब चीज तो ठीक है, ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब सिर्फ टीका लगाने से बच्चा बन जाता है क्या? नहीं बचता ना। खाना भी तो चाहिए, फल फूल तो चाहिए, पानी भी तो चाहिए, अल्कलाइन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, एंजाइम तो चाहिए, समझ नहीं है? तो वो पूरा करने के लिए कुछ तो कुछ देना पड़ेगा, और वही हम लोग दे रहे किससे? डीएपी से, फॉस्फोरस से, यूरिया से। जो बच्चों को पूर्ति हम लोग बाहर रासायनिक चीज में दे रहे हैं, अगर वही चीज आपको जमीन में लग कैसा रहेगा? जो चीज आपको रासायनिक मजबूरी होती, आपको शौक नहीं है, मुझे मालूम है आपको शौक नहीं है रासायनिक यूज करने का, लेकिन मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम डीएपी डालेंगे मसाला वो पूरा पड़ेगा नहीं, देखो ना। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रासायनिक ना डालना पड़े, उसके बाद में अगर आपका पौधा ग्रोथ कर जाए, उत्पादन डबल हो जाए, तो कैसा रहेगा? जैसे रहेगा वो भी ऑर्गेनिक में। तो उसके लिए हमारे पास में कंपोस्ट शानदार ग्रोथ लेकर आई, जिसका नाम है अल्टो ग्रो। 8 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस प्लस एंजाइम प्लस पौधों के अर्क से तैयार किया हुआ, 3 तरीके से तैयार हुआ हमारे पास अल्टो ग्रो है, जिसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे स्प्रे के रूप में, चाहे आप छिड़काव के रूप में, चाहे बीजोपचार के रूप में, जैसा भी आपको इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 8 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस, जिसमें बोरान, जैसे एक बच्चे को बयान होने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, पौधों को बड़ा होने के लिए भी जरूरत पड़ेगा। इसमें अगर बात करें बोरान की, बात है पौधों में बोरान की कमी जब हो जाता है तो पौधे पौधे विकसित नहीं हो पाते। कई बार आपने सुना होगा ना कि यार हमारे घर में यार नींबू का फल तो है लेकिन फलता ही नहीं साला, फूल आता है, फल गायब हो जाता है, छोटा फल आता है, गिर जाता है, क्या मिट्टी में कमी है? और कई बार आपके जो आरियो साहब जो होते ना डिपार्टमेंट में होता है, आपको ग्राम सेवक उससे बोलते हैं, वो बोलते हैं यार आपका मिट्टी का परीक्षण करना पड़ेगा। वो कुछ को बोलता है ना कि बोरान की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आपका जो है माइक्रो कॉपर की कंपनी है, बोले नहीं बोलते हैं। वो वही चीज है, हमारे मिट्टी में अब वो ताकत नहीं है जो पहले था। और क्यों नहीं है? कारण भी अपनी से क्यों है? क्योंकि हम उस ताकत को जो है रासायनिक डाल के खत्म कर डाले, अब वापस लाना चाहते नहीं जाते हो, चाहते है ना? तो वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अब थोड़ा सा रासायनिक को छोड़ करके थोड़ा सा जैविक को डालना पड़ेगा ना। तो वो जैविक क्या डाले? आपके पास में समस्या होगी, मैं बोलता हूँ आप अल्टो ग्रो डालिएगा, जिसमें 8 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, किस प्रकार के जो है 8 पोषक तत्वों से भरा हुआ, जिसका कंप्लीट पैकेज मैं बोल सकता हूं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग से इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? बोलते हैं कुछ लोग यार सब चीज ठीक है, यार शरीर कमजोर लग रहा है, इंजेक्शन लगाते हैं। मैं बोलता हूँ पौधा में इतना ताकत आ जाएगा, आपको अलग से जो है यूरिया डीएपी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला हमारा 1 प्रोडक्ट काफी है। कैसा रहेगा? रहेगा जो है इसका अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहला चीज आपको बताऊं, लाई, समझ पा रहे हैं किसान लोग, पत्ती में शक्ति में जला जला आना होता है, जरा जरा पत्ती आता है, या कोई भी हम लोग फल वाले को पूछ देखे, या हम लोग कोई भी अगर सब्जी देखे वेजिटेबल में अगर जाए तो उसमें वो जाली बन जो आता है, जाली बन आता है बीमारी के लिए, वो कमी है बोरान का, वो कमी है जो है किसका, जीन का, वो कमी है कैल्शियम का। अगर यही चीज हम लोग डाल दे रहेंगे तो क्या होगा? उसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये हमारे पत्तियों को, पौधों को ग्रोथ देने में करता है। और जो फल आता है ना, कई बार क्या होता है फल तो आता है यार, लेकिन लौकी पिछले साल भी इतना ही था, इस साल भी इतना ही है। वो हमारे ससुराल ने बताया कि वो नीचे में चूना डालना, कहेगा चूना भी डाल दिए, कच्चा भी डाल दिए, इतना ही आ रहा है यार, बड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके चूना की मात्रा तो जा रहा है लेकिन आयरन और जिंक की मात्रा नहीं जा रहा, कैल्शियम तो जा रहा है लेकिन आयरन और जिंक नहीं जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अल्टो ग्रो डालना पड़ेगा। अगर आप अल्टो ग्रो डालते हैं पहले ही साल, आप टेप लेकर नाप लीजिएगा, ना बढ़ जाते तो भूल दीजिएगा, साइन में फर्क नहीं आ जाएगा ना, तो मेरे को नहीं देगा, चाहे वो कोई भी प्रकार के फल फूल सब्जी हो। हाँ जी, तैयार है भाई? मैं आपको प्रैक्टिकल आपको वीडियो में दिखा दूंगा। पिछले साल गई लौकी का साइज देखते कितने तक फैला हुआ है, कितना बरबट्टी का साइज देखते, क्यों जो
किलोमीटर तक भवट्टी फैला हुआ है, बोलते हमारा तो सब्जी पड़ता ही नहीं है। मैं बोला यार अल्टो को डाल के समझ लिया तो डालेंगे। एक बार तैयारी करके एक बार जो है आप लोगों को बताइएगा हमारे पास अल्टो को ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको अलग से कोई प्रकार की यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। तैयार है?